रीवा लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र कल 28 मार्च से होंगे दाखिल। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम। कलेक्टर ने नामांकन पत्र दाखिल करने की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बता दें कि रीवा में 28 मार्च यानी गुरुवार से प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। कल से शुरू हो रही प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 4 अप्रैल तक चल रही है। वहीं प्रत्याशियों को नाम वापसी के लिए 8 अप्रैल तक का समय दिया गया है। नामांकन प्रक्रिया में प्रमुख दलों के उम्मीदवारों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस बार जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 18,50,000 है, जिसमें मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में चुनाव संपन्न होने हैं। नामांकन के बाद रीवा लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को शुक्रवार के दिन वोटिंग होनी है। वहीं मतगणना 4 जून को होगी। सिरमौर, सिमरिया, त्योथर, मऊगंज, देवतलाव, मनगमा, रीवा और गुड़ समेत 8 विधानसभा सीटों वाले रीवा लोकसभा में मतदाता प्रत्याशियों का भाग तय करेंगे। बता दें कि नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट रीवा में कलेक्टर न्यायालय कक्ष में दाखिल किए जाएंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। कलेक्टर ने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्ति ही कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। उम्मीदवार द्वारा भरे गए नामांकन पत्र को दाखिल करने से पहले पूरी तरह से जांच लें, इसके लिए कक्ष के बाहर जिम्मेदार अधिकारी तैनात करेंगे। बता दें कि नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व ही कलेक्ट्रेट कार्यालय में बाहर और अंदर सभी जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। राजनीतिक दलों के विशाल जुलूस के लिए मार्टन स्कूल से प्रवेश दिया जाएगा, जिसके बाद सिर्फ 5 लोगों को ही अंदर आने की अनुमति होगी। रीवा संसदीय सीट के लिए अपने यहाँ कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि अपने यहाँ दूसरे चरण में चुनाव हो रहा है, तो कल से शुरू हो करके नॉमिनेशन की प्रक्रिया 4 तारीख तक चलेगी, जिसमें कोई भी अभ्यर्थी जो योग्य अभ्यर्थी है वो आकर के अपना नॉमिनेशन 11 से 3 बजे के बीच में कलेक्टिव न्यायालय का जो कक्ष है जिसको इसके लिए डेजिग्नेट किया गया है वहाँ करके अपना नॉमिनेशन दर्ज करा सकते हैं। नॉमिनेशन के लिए व्यवस्था इस तरीके से बनाई गई है कि नॉमिनेशन कक्ष से 100 मीटर दूर बाहर से ही प्रवेश किया जा सकेगा, और नॉमिनेशन 100 मीटर के बाहर जो गाड़ियों की संख्या है उनको भी 3 तक लगाया गया है, जैसा कि आयोग द्वारा निर्देश है कि सिर्फ 3 गाड़ियां ही अभ्यर्थी और उनके अन्य व्यक्तियों के लिए परमिट की जा सकती हैं। इसके अलावा जो निर्वाचन पत्र जो रहेगा अभ्यर्थी का उसको अंदर नॉमिनेशन रूम में लाने के लिए सिर्फ 5 लोग अलाउड रहेंगे, जिसमें अभ्यर्थी स्वयं की काउंटिंग भी इस 5 के भीतर की होगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए एक हेल्प डेस्क भी हम लोगों ने बनाया है जो कि नॉमिनेशन रूम के बाहर रहेगा, ताकि कोई भी अभ्यर्थी अपने फॉर्म में या शपथ पत्र में कोई जानकारी चाहता है तो वो आसानी से वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सके। निक्षेप जमा कराने, अपनी इलेक्टोरल रोल में अपना नाम देखने, इन सभी चीज़ों की सुविधा भी निर्वाचन नॉमिनेशन रूम के बाहर करी गई है, ताकि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की तकलीफ का सामना न करना पड़े। सुरक्षा की दृष्टि से एक DPSP स्तर के जो अधिकारी हैं CSP शहर के वो इसके इंचार्ज रहेंगे, साथ ही साथ इस पूरे एरिया को CCTV से कवर किया गया है, साथ ही जो मोबाइल वीडियोग्राफर्स है वो भी कैंपस में रहेंगे। उद्देश्य ये है कि प्रत्येक अभ्यर्थी बिना किसी असुविधा के आसानी से अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सके और अपने समय सीमा में जो सुविधा उनको दी गई है उसका लाभ।